हे गाइस, दिस इज राहुल फ्रॉम कंप्यूटर स्टार एकेडमी और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग विथ जीएसटी की एक पूरी सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे मैंने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग की पूरी सीरीज को अपलोड की है, जिससे कि आप परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं पूरे डिटेल्स के साथ। उसी तरह आज मैंने सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग की पूरी सीरीज को बनाने का डिसीजन लिया है, जिसमें आज उस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग किस तरह टैली पे करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर स्टार अकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग की जितनी भी स्टेप है उनको मैं लिखा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम पहले क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्या सीखेंगे, उसके नेक्स्ट क्या सीखेंगे, जिसमें मैंने 8 स्टेप लिया है और मैं आपको 8 स्टेप बड़ी आसानी से और बहुत इजी फॉर्म में सिखाऊंगा जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आज हमारा जो पहला वीडियो है वो है सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का। तो हम चलिए देखते हैं कि हम किस तरह सेल्स ऑर्डर प्लेस करते हैं टैली पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक छोटा सा एक्सरसाइज लिया है, मैंने आइटम्स लिए हैं और उनके पूरे डिटेल्स को लिया है। हम इस आइटम्स का सेल्स ऑर्डर प्लेस करेंगे टैली पे। तो उसके लिए हम टैली ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग विथ जीएसटी नाम से एक कंपनी ऑलरेडी बना के रखा हूँ और इस पर मैंने जीएसटी को भी एनेबल कर चुका हूँ। अगर आप टैली में जीएसटी एनेबल करना नहीं जानते हैं और जीएसटी के साथ कंपनी क्रिएट करना नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसमें मैंने आपको कंपनी क्रिएट करना सिखाया विथ जीएसटी। तो इसके साथ साथ यहाँ जो भी आइटम्स हैं मैंने वो भी ऑलरेडी लेजर बना के रखा है जिसे आप देख सकते हैं। जैसे कि हेड एंड शोल्डर, पैराशूट, हेयर ऑयल 100 ml और सनसिल्क व्हाइट। ओके, तो मैंने ये बना के रखा है। अगर आप नहीं जानते हैं बनाना तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने फुल डिटेल्स के साथ इन्वेंट्री किस तरह बनाते हैं मैंने उसे सिखाया है। और हमें जो भी इम्पोर्टेंट लेज़र हमारा है उसका भी मैंने लेज़र ऑलरेडी बना के रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कैश, CGST, HP इंटरप्राइज, सेल्स और SGST का लेज़र मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो अब आते हैं कि हम किस तरह सेल्स ऑर्डर प्रोसेस करते हैं टैली में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ गेटवे ऑफ टैली के अंदर हमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिसपे हम सेल्स ऑर्डर प्लेस कर सके, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें अपनी कंपनी में उसे एनेबल करना पड़ेगा। एनेबल करने के लिए हम F11 प्रेस करेंगे। आप चाहे तो कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। करने के बाद आप इन्वेंट्री फीचर्स में जाएं, चाहे आप F12 प्रेस करें, F2 प्रेस करें, या इन्वेंट्री फीचर्स का एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पर आपको देखना है ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर, आप देख सकते हैं सेकंड वाला ऑप्शन एनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, आपको यहाँ जाना है, उसे यस करना है। यस करने के लिए आप यहाँ जाकर वाई प्रेस करें, वो यस का ऑप्शन आ जाएगा और उस पर इंटर प्रेस करें। उसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर लें, देन स्केप प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पे आए। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ कि ऑर्डर वाउचर का ऑप्शन एनेबल हो गया है। तो हमें जाना है ऑर्डर वाउचर में, इंटर प्रेस करें। सेल्स ऑर्डर का ऑलरेडी पेज खुला हुआ है। अगर पेज सेल्स ऑर्डर का नहीं खुला हुआ है तो आप प्रेस करें Alt 5। आप देख सकते हैं यहाँ शॉर्टकट की दिखा रहा है F5, जिसके नीचे एक सिंगल अंडरलाइन है। सिंगल अंडरलाइन मतलब होता है Alt के साथ F5, अगर डबल हुआ तो उसका मतलब होता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप डबल अंडरलाइन के साथ C है तो उसका मतलब है Ctrl C। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज क्या है। तो है कि लेटेस्ट Place a sales order from HP Enterprise for the following product on 1st April 2018. Order number ये है, okay, from Howrah Godown. तो सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे। तो डेट यहाँ दिया गया 1 अप्रैल 2018, तो F2 प्रेस करके यहाँ चेंज करेंगे डेट 1 अप्रैल 2018, इंटर प्रेस करें। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है पार्टी नेम। जो कस्टमर से आपको सेल्स ऑर्डर मिला है उस पार्टी के नेम को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ स्पेस प्रेस करें। अगर आपने नहीं बनाया तो आप Alt C प्रेस करके ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ ऑलरेडी बना चुका हूँ,
इसलिए मैं स्पेस प्रेस करूंगा तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट खुल चुका है। हम यहाँ से अपनी पार्टी को सेलेक्ट करें, कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करें। मैं आपको कस्टमर जो मैंने बनाया है उसे एक बार ऑल्टर करके दिखा देता हूँ उनके क्या डिटेल्स है। तो कंट्रोल इंटर प्रेस करूंगा तो वो ओपन हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि नेम के अंदर एचपी एंटरप्राइज अंडर सेंडरी डेटर। सेंडरी डेटर इसलिए क्योंकि आप सेल्स ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो अगर आप सेल्स ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो वो उससे आप अमाउंट रिसीव करेंगे। जिन्होंने आपको सेल्स ऑर्डर दिया है उनसे आप अमाउंट रिसीव करेंगे कैश या बैंक के थ्रू, तो वो आपका देनदार है, देने वाला है, इसलिए वो सेंडरी डेटर के अंदर आता है। ओके, हम लोग इंटरप्रेस करते हुए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखेंगे। इंटरप्रेस करते हुए जो भी उनका डिटेल्स है वो आप फिल कर ले और कंट्रोल ए से सेव कर ले। उसके बाद वो आपसे एड्रेस पूछ रहा है, आप जो भी एड्रेस अगर आप जानते हैं तो एड्रेस दे। इंटरप्रेस करते हुए आगे बढ़े। मोड स्लैश टर्म ऑफ पेमेंट, इसका मतलब ये है कि वो जो जो कस्टमर आपको सेल्स ऑर्डर दिया है वो कितने दिन में पेमेंट करेगा। तो उन्होंने कहा है कि मैं 10 दिन में पेमेंट करूंगा, तो आप चाहे तो यहाँ डेट भी दे सकते हैं और चाहे आप 10 डेज भी लिख सकते हैं। ओके, इंटरप्रेस करिए। अदर रेफरेंस में कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। टर्म ऑफ डिलीवरी मतलब आप कितने दिन में उन्हें डिलीवर करेंगे, जो प्रोडक्ट के लिए उन्होंने सेल्स ऑर्डर आपको दिया है वो आप कितने दिन में उन्हें डिलीवर करेंगे। तो मान लीजिए 5 डे के अंदर आप डिलीवर कर रहे हैं, इंटरप्रेस करिए। उसके बाद आता है डिस्पैच थ्रू, आप जो डिलीवर कर रहे हैं करेंगे वो किस चीज के थ्रू करेंगे, रोडवेज रोड के थ्रू, वाटरवेज या कोई शिप के थ्रू, एयरवेज या कोई हेलीकॉप्टर के थ्रू। तो मान लीजिए मैं देता हूँ रोडवेज। ओके, डेस्टिनेशन मतलब आप किस जगह पे उसे डिस्पैच करेंगे। तो मान लीजिए मैं देता हूँ यहाँ अशोक नगर, इंटरप्रेस करिए। अब आपसे पूछ रहा है ऑर्डर नंबर, तो यहाँ ऑर्डर नंबर दिया गया है, देखिए SAL/OID/1/11/12। ओके, हमने ऑर्डर नंबर दे दिया, इंटरप्रेस करें। सेल्स लेजर पूछ रहा है तो आपको यहाँ सेल्स लेजर देना है। अब मैंने बना के रखा है इसलिए मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, तो मैं यहाँ सेल्स लेजर को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, आपको किन किन आइटम का मिला है सेल्स ऑर्डर। ओके, तो स्पेस प्रेस करके यहाँ आप उस आइटम को सेलेक्ट करें। वो आपसे पूछ रहा है, देखिए डू ऑन मतलब आप कौन जिसे कितने दिन में आप किस दिन इसे डिलीवर कर रहे हैं। तो हम सेम डे को ही कर रहे हैं, जिस डे को हम सेल्स ऑर्डर ले रहे हैं उसी डे को डिलीवर भी कर रहे हैं, इसलिए हम सेम डेट रहने देंगे। अगर आप किसी और डे में डिलीवर कर रहे हैं गुड्स को, प्रोडक्ट को, आइटम्स को, तो आप यहाँ वो डेट डाल सकते हैं, चाहे आप डेज डाल सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ सेम डेट रहने दूंगा। लोकेशन एनी है तो मैं ऑलरेडी लोकेशन बना के रखा हूँ, इसलिए मैं स्पेस प्रेस करके यहाँ हावड़ा सेलेक्ट करूंगा। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का हमें सेल्स ऑर्डर हुआ है, तो 150 बॉटल, तो हम लोग 150 देंगे, इंटर। रेट क्या है, 110, तो 110 टोटल आपको दिखा गया है 16,050। अब बॉटल्स दिखा गया है हमें, इंटरप्रेस करिए। उसी तरह आप सबको सेलेक्ट करें, 50 बॉटल 55 रुपीज करके, 50 बॉटल 55 रुपीज करके। उसके बाद है सनसिल्क वाइट, सेम डे को ही हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। लोकेशन सेलेक्ट करेंगे हावड़ा, क्वांटिटी क्या है 25 रुपीज करके। ओके, अब ये हमने पूरे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप इंटरप्रेस करें, फिर एक बार इंटरप्रेस। उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे CGST और SGST। ओके, हम देखेंगे कि हमें जो सेल्स ऑर्डर मिला है वो टोटल कितना का है, तो हम स्पेस प्रेस करके यहाँ CGST को सेलेक्ट करेंगे, तो आपको CGST दिखा रहा है। फिर इंटरप्रेस करें, फिर स्पेस प्रेस करके आप SGST को सेलेक्ट करें, तो आपको वो टोटल दिखा रहा है कि आपको जो टोटल सेल्स ऑर्डर मिला है कस्टमर के थ्रू वो आपको टोटल मिलता है 23,415 रुपए का। ओके, आप चाहे तो इसका टैक्स एनालिसिस भी देख सकते हैं,
कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगा है, ऑल्ट ए प्रेस करके। ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा टैक्स एनालिसिस का। इसे डिटेल्स में देखने के लिए आप ऑल्ट एफ वन प्रेस करें। तो आपको दिखा रहा है कि आपका हेड एंड शोल्डर, इसमें सेंट्रल टैक्स 9%, स्टेट टैक्स 9% इतना लगा है, आप इस तरह देख सकते हैं। इसके प्रेस करते हुए बाहर आए, उसके बाद आप इंटर प्रेस करें और यहाँ नेशन लिखें, बीइंग सेल्स ऑर्डर। प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर ले। अब चलिए हम देखते हैं कि हम जो सेल्स ऑर्डर प्लेस किए उसे हम देखेंगे किस तरह से। तो देखने के लिए आप गेटवे एफ चाली के अंदर डिस्प्ले में जाएं, उसके बाद आप जाएं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, देन आप जाएं सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में, देन आप चाहें तो स्टॉक आइटम्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो लेजर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लेजर पे क्लिक किया, उसके बाद एचपी एंटरप्राइज उनका देखिए, तो आपको इनसे इतना सेल्स ऑर्डर मिला है तो आप उनका देख सकते हैं। आप चाहें तो ऑल ऑर्डर में जाएं, आपको ऑल ऑर्डर में जाने के बाद भी आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपने सेल्स ऑर्डर जो है आपने कौन कितना सेल्स ऑर्डर आपने प्लेस किया है। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स ऑर्डर नंबर हमारा यहाँ दिखा रहा है, हेड एंड शोल्डर जो प्रोडक्ट है वो दिखा रहा है, फ्रॉम जिससे हमें सेल्स ऑर्डर मिला है उनका नाम हमें दिखा रहा है, एचपी इंटरप्राइज। अगर आपका नहीं दिखा रहा है, हो सकता है कि अगर आपका नहीं दिखा रहा है, तो आप सबसे पहले जिस डेट पे आप सेल्स ऑर्डर प्लेस किए हैं वो डेट को यहाँ फ्रॉम में टाइप करें और इंटरप्रेस करें। अगर तब भी नहीं दिखा रहा है तो आप F12 प्रेस करके सो आउटस्टैंडिंग सेल ऑर्डर को यस करके कंट्रोल ए से सेव कर ले, तो वो आपको शो करेगा। ओके, तो इस तरह हम सेल्स ऑर्डर प्लेस करते हैं टैली में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह और भी वीडियो को पाने के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा उस कमेंट का रिप्लाई करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।